नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रकज प्रकाजा में। आज के इस वीडियो में हमने मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के उपनाम या उपाधियों से संबंधित व्यक्तियों को शामिल किया है। तो चलिए मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के उपनाम या उपाधियों से संबंधित इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। इसमें जो सबसे पहले हमने शामिल किया है वो है लता मंगेशकर, और लता मंगेशकर को हम जानते हैं स्वर साम्राज्ञी के नाम से। अगला जो इसमें नाम है वो है तानसेन का। तानसेन को जाना जाता है संगीत सम्राट के रूप में। इसमें अगर हम अगला नाम देखें तो वो है माखनलाल चतुर्वेदी का, और माखनलाल चतुर्वेदी को जानते हैं एक भारतीय आत्मा के नाम से। अगला जो इसमें नाम है वो है कालिदास का। कालिदास को हम जानते हैं भारत के शेक्सपियर के रूप में। अगला जो नाम इसमें शामिल है वो है चंद्रशेखर आज़ाद का, और चंद्रशेखर आज़ाद को हम शहीद के नाम से जानते हैं। अगला जो नाम है वो है महाराजा छत्रसाल। महाराजा छत्रसाल को हम बुंदेलखंड के शिवाजी के रूप में जानते हैं। अगला जो इसमें नाम है वो है पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र, इनको कहा जाता है आधुनिक चाणक्य। अगला जो नाम है वो है अहिल्याबाई होलकर, इनको कहा जाता है लोकमाता या देवी। अगला जो नाम है वो है रानी लक्ष्मीबाई, इनको कहा जाता है मनु। अगला जो नाम शामिल है इसमें वो है विजया राजे सिंधिया, इनको कहा जाता है राजमाता, यानी राजमाता विजया राजे सिंधिया। अगला जो नाम इसमें शामिल है वो है रानी अवंतीबाई का, और रानी अवंतीबाई को हम रामगढ़ की रानी के रूप में जानते हैं। अगला जो नाम इसमें शामिल है वो है पढ़नी का, इनको हम व्याकरणाचार्य के रूप में जानते हैं। अगला जो नाम है वो है कुंजीलाल दुबे, और कुंजीलाल दुबे को जानते हैं मध्य प्रदेश के विधि पुरुष के रूप में। इसमें अगला जो नाम शामिल है वो है संत सिंगाजी, और इनको जाना जाता है मालवा के कबीर, या इनको निमाड़ के कबीर भी कहा जाता है। अगला नाम जो है वो है सुमित्रा महाजन का, और सुमित्रा महाजन को हम जानते हैं ताई के नाम से। इसमें जो अगला नाम शामिल है वो है कुशाभाऊ ठाकरे। कुशाभाऊ ठाकरे को भाजपा के प्रतिपुरुष के रूप में जाना जाता है। अगला जो इसमें नाम शामिल है वो है अलाउद्दीन खां का। अलाउद्दीन खां को जानते हैं सरोद सम्राट के रूप में। इसमें जो अगला नाम शामिल है वो है राजेंद्र जैन का, और राजेंद्र जैन को हम भगवान रजनीश या ओशो के नाम से जानते हैं। इसमें जो अगला जो नाम है वो है सैयद मुश्ताक अली, इनको कैप्टन के रूप में जाना जाता है। अगला नाम है वो है आचार्य केशवदास का, इनको जाना जाता है कठिन काब्र के प्रेत के रूप में। इसमें जो अगला नाम शामिल है वो है शंकर लक्ष्मण, और शंकर लक्ष्मण को जाना जाता है गोली के उपनाम से। अगला जो नाम शामिल है वो है दिग्विजय सिंह, और दिग्विजय सिंह को हम जानते हैं दिग्गी राजा के रूप में। अगला जो नाम शामिल है वो है अशोक कुमार। अशोक कुमार को हम जानते हैं दादा मुनि के उपनाम से। अगला जो नाम शामिल है वो है अमृत लाल बेगड़, और अमृत लाल बेगड़ को कहा जाता है नर्मदा पुरुष। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।